ओके, तो फाइनली गाइस आज हमें हमारा लेनोवो 10 FSD प्लस मिल गया है और हमने इसे अमेज़ोन से बाई किया है। ये हमें पड़ा है 14,499 का। खैर अब इसकी प्राइस इंक्रीज़ हो चुकी है और जब आप इसे मंगाएंगे तो फिर अमेज़ोन की तरफ से ये लिख के आएगा ही आएगा कि ये फटा हुआ हो तो इसे ना एक्सेप्ट करें, टैपर्ड पैकेट। और तो खैर इसका मतलब अमेज़ोन की तरफ से फाइनली आपको इस तरह का मिलेगा। और ये जो है मैं इधर से खोल दिया है, इसे वही तुरंत खोल करके देख लिया था। तो फाइनली कुछ इस तरह से आपका टैब आएगा और इधर से इसे पकड़ करके इस तरह से निकालना है। और बाकी सारी चीज़ें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इधर इसके चार्जर हैं और इस टैब के, और ये हो गए आपके सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड लगाने के लिए। जो उसमें जगह बनी हुई है वो जगह कुछ इधर बनी होंगी। ये रही है, रुकिए इसमें से भी मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर सिम वगैरह लगाने के लिए पिन से, और ये पावर का बटन है, ये वॉल्यूम का है ही, बाकी तो आप जान ही रहे हो। ये टैब हमने आज ही लिया है क्योंकि नया नया पासवर्ड है डाल रखा है। तो ये सारी फीचर्स पहले से ही इसमें आपको मिलेगी, हमने इसे अपडेट भी किया है। और 1 मिनट, कनेक्ट हो चुका हमारे वाईफाई से। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टैब में सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन इसे बाई करने से पहले बस यही आपको देखना है एक बार कि ये जो मतलब थोड़ा लैग करता है, ये जैसे कि ये ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है तो थोड़ा रुक रहा है फिर जा रहा है। हालांकि ये 232 का कॉम्बिनेशन है, 2GB रैम एंड 32GB रोम, तो इसके लिए थोड़ा सा ये लैग करेगा ही करेगा, मतलब आई होप सो। और बाकी सारी चीज़ें इसकी सही हैं, बढ़िया चलता है। और अभी आज ही आया है, नया है, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ इसके फीचर्स भी दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से आपकी सेटिंग्स खुलेगी और यहाँ पर सिस्टम पे चलते हैं तो बाकी सारी चीज़ें आम मोबाइल की तरह है। तो यहाँ अबाउट टैबलेट पे आते हैं तो ठीक है, इसका जो वर्ज़न है इसे मैंने अपडेट कर दिया है, ये 9 पे मिला था मेरे को, मैंने इसे 10 कर दिया है। तो अब आते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं रैम इसकी 2GB है, रोम 32, और CPU इसका है, मतलब इसमें कौन सा प्रोसेसर पड़ा हुआ है तो मीडिया टेक हीलियो P22T टैब ऑक्टा कोर 2.3GB का 3G का ये जो है ये प्रोसेसर इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो इसमें मतलब ये जो लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कुछ की जैसे ये क्वाड कोर का है या फिर ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, तो मैं कंफर्म करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास तो प्रेजेंटली है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ ऑक्टा कोर। और डिस्प्ले इसकी है 1920x1200, और यहाँ पे जो कैमरा दे रखा है फ्रंट है 5, यहाँ पे ऊपर आपको सामने बीच में रहेगा वो 5 मेगापिक्सल का है, और जो बैक कैमरा है ये यहाँ पर ये रहेगा आपका 8 मेगापिक्सल का। और बाकी सारी चीज़ें ठीक है, मतलब ये जो है ऐसे भी मतलब इसकी टच क्वालिटी सही है, सब कुछ सही है, बढ़िया है। लेकिन हाँ ये है कि अगर आप थोड़े मतलब गेमिंग पर्पस से या बाकी किसी चीज़ के लिए अगर आप लेते हो तो जाहिर सी बात है आपको अच्छे रैम का लेना पड़ेगा। तो आप जा सकते हैं इसी में और अच्छे रैम के साथ, मतलब 4 या फिर 4 प्लस। तो मतलब अगर स्टडी पर्पस से या फिर बस वीडियो देखना है, आपको मूवीज़ देखने के आप शौकीन है, तो आप इसे बाई कर सकते हैं, इसमें नो डाउट। बाकी सारी चीज़ें इसकी परफॉर्मेंस बेस्ट हैं, बस हाँ थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तब लगा था जब यूट्यूब पे मतलब वो स्लाइड करने पे, जैसे यूट्यूब है इसे जो स्लाइड करने पे थोड़ा लैग जो करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लोडिंग का तो यहाँ पे समझ में आता है, ये लोडिंग का तो समझ में आता है,
लेकिन ये जो ऊपर नीचे जाने में ये जो थोड़ा रुकता है, ऊपर नीचे गड़बड़ सी हो जाती है, लैग करता है, तो ये थोड़ा इसमें थोड़ा मतलब थोड़ा मेरे को ऑड लगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें इसकी बेस्ट हैं, बढ़िया है, आप इसे बाई कर सकते हैं। और भी इसमें कुछ फीचर्स हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, आई प्रोटेक्शन मोड, इससे लगा देने के बाद थोड़ा सा आप देखो चेंजेस आ जाएंगी। फिर ऊपर से यहाँ से ये तो वो वाला है, डॉल्बी वाला साउंड वाला सिस्टम ही है पूरा। सिम कार्ड अभी मैंने लगा नहीं रखा है, तो वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। ओके, थैंक यू। अगर आप इसे बाई करना चाहते हो तो बिल्कुल आप इसे बाई कर सकते हो। ये 15,000 की रेंज में सबसे बढ़िया, मतलब मेरे को बढ़िया लगा। आप इसके थ्रू जा सकते हो अगर आपको टैबलेट ही लेना है तो। ओके ठीक है, और इसकी डिस्प्ले भी काफ़ी बड़ी है, ठीक है। ओके थैंक यू एवरीवन।